शिवाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और हाजिर हूँ गाइस आप लोगों के लिए न्यू एनर्जी अपडेट के साथ। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं यहाँ पर थंबनेल में, सैटर्न जो है हमारे शनि देव, न्याय के देवता कहा जाता है इन्हें, शनि देव डायरेक्ट होने जा रहे हैं। अभी तक वक्री थे, ठीक है, और अब जो है कल से 4 नवंबर से शनिदेव जो है हमारे डायरेक्ट होने जा रहे हैं। सैटर्न डायरेक्ट क्या इम्पैक्ट डालता है? देखिए, शनिदेव को हमेशा न्याय के देवता कहा जाता है ना। आप अपनी लाइफ में जितने भी कार्मिक बैगेजेस हैं आपके, अच्छे बुरे जितने भी आपके कर्म हैं, उन सब का फल देने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारे शनिदेव पर होती है। तो जब भी शनि देव मार्गी होते हैं तो आपकी लाइफ में एक जस्टिस की एनर्जी फ्लो करती है। अभी तक शनि देव वक्री थे, हो सकता है आप लोग जो चीजें एक्सपेक्ट कर रहे थे, जिस न्याय का, जिस जस्टिस का आप लोग वेट कर रहे थे, किस रिजल्ट का आप वेट कर रहे थे, तो आपको शायद वो आपको अकॉर्डिंगली उस चीज का रिजल्ट नहीं मिल रहा था अब तक। लेकिन अब जो है हमारे शनि देव डायरेक्ट होने जा रहे हैं सैटर्न, तो यहां पर जितने भी आपके रिजल्ट्स थे, रिजल्ट्स किसी भी तरह का हो सकता है, कोई एग्जाम आपने दिया था या आपकी लाइफ में आपने कुछ ऐसे काम किए हैं जिनका आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि ईश्वर हमें कब उसका रिजल्ट देगा, कब फल मिलेगा हमें, तो ये टाइम आपका फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिलने वाला है। ठीक है, कलेक्टिव लेवल की यहां मैं बात कर रही हूं। तो ये फ्रूटफुल रिजल्ट्स के लिए आप लोग तैयार हो जाएंगे गाइस, क्योंकि सैटर्न जो है हमेशा आपको कर्म फल के आधार पर फल देते हैं। ठीक है, आपने जैसे कर्म किए हैं आपको अच्छे से पता होता है कि आपने क्या किया है अपनी लाइफ में। आप लोगों से झूठ बोल सकते हैं, दूसरों से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन कभी भी अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते, है ना, ईश्वर से झूठ नहीं बोल सकते। तो आपको अच्छे से पता होता है कि आपने अपनी लाइफ में क्या क्रिएट किया है, अच्छा या बुरा। जैसा आपने क्रिएट किया है आपको सेम एज उसका रिजल्ट मिलने वाला है अब आने वाले टाइम पीरियड में। ठीक है, आपके साथ अगर बहुत ज्यादा बुरा हो रहा है, आपको रिजल्ट आपके हिसाब से नहीं मिल रहे हैं, आपकी लाइफ में मैस मच जाता है, तो कहीं ना कहीं उसके लिए आपके कर्माज ही रिस्पॉन्सिबल हैं। आप शायद इन चीजों को समझते नहीं या एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो कभी भी दूसरों को ब्लेम मत करें, क्योंकि अगर आपकी लाइफ में कुछ भी गलत या नेगेटिव हो रहा है, बुरा हो रहा है, उसके लिए आपके ही कर्मा रिस्पॉन्सिबल हैं। तो यहाँ कभी भी किसी को ब्लेम मत करें, ना ही ईश्वर को, ना ही खुद को ब्लेम करें। ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा, अपनी गलती को एक्सेप्ट करके आपको अपनी गलतियों को सुधारना होता है, अपने कर्मास को हील करना होता है, नेगेटिव कर्मास को। तो आपने जो किया है वो तो आपको भोगने ही पड़ेंगे, कोई भी नहीं इसको क्लेंस कर सकता। आपने जो किया है वो आपको खुद से ही क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी डेफिनेटली आप देखेंगे आने वाले टाइम पीरियड में। डेस्टिनी आपको पूरा सपोर्ट करने वाली है। जिन भी लोगों ने बहुत मेहनत की है, बहुत हार्डवर्क किया है, उन लोगों का रीयूनियन डेफिनेटली इस 11/11 पोर्टल पर हो जाएगा। एंड ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ कि रीयूनियन हो जाएगा, आप लोग देखेंगे और फिर से आप ये वीडियो ढूंढेंगे एंड कमेंट करेंगे कि मैम आपने सही कहा था, क्योंकि यहाँ पर ये जो एनर्जी है बहुत से लोगों का परमानेंट रीयूनियन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत से लोगों की डीप क्लींजिंग, डीप हीलिंग हो चुकी है। ऑलरेडी आप लोग फील कर रहे होंगे 8/8 पोर्टल के बाद से कितने अप्स एंड डाउन्स, इमोशनली ट्रिगर्स या कुछ ऐसे पैटर्न्स आपके बहुत ज्यादा ट्रिगर हुए हैं जिनको अब परमानेंटली रिलीज होना है। कुछ लोगों को फिजिकल हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा रहे हैं, वो भी यहाँ पर हील होंगे अब, क्योंकि वो आपके ही चक्रा सेंटर्स के ब्लॉकेजेस होते हैं जो आपको किसी ना किसी तरह से हेल्थ इश्यू दे देते हैं। तो यहाँ पर हेल्थ इश्यूज हील होंगे,
नेगेटिव रिपीटेड साइकल्स थे जो आपकी लाइफ के बार बार आप सेम गलतियां अगर रिपीट कर रहे थे, तो यहाँ पर आप उन चीजों को रिलीज कर पाएंगे परमानेंटली, क्योंकि यहाँ पर आप ट्रुथ से कनेक्ट करेंगे, अपनी सोल से बहुत डीपली कनेक्ट करने वाले हैं। थर्ड आई एक्टिवेशन बहुत स्ट्रांगली कुछ लोगों का यहाँ पर होगा। हो सकता है अभी से जो 11-11 पोर्टल है ना, उसकी एनर्जी, उसकी लाइट कॉर्ड्स आप लोग रिसीव कर रहे हैं। आप में से कुछ लोगों को सीवियर हेड पेन हो सकता है, सर में बहुत ज्यादा दर्द होना, या आपको ऐसा लग रहा है कि आपको माइग्रेन है अगर, या कुछ भी ऐसी बहुत सीवियर सी पेन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, स्पेशली आपके अपर चक्रास में, आपके नेक में, थ्रॉट में इन्फेक्शन हो सकता है, आपको नोज से रिलेटेड, आईज से रिलेटेड इन्फेक्शन फेस करने पड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर थर्ड आई क्लेंजिंग हो रही है, थर्ड आई एक्टिवेशन हो रहा है। आप जो है डीपली अपने इंट्यूशन को फॉलो कर पाएंगे आने वाले टाइम में, और लाइट्स कोर्स अगर आप लोग रिसीव कर रहे हैं तो करंटली आपको कुछ छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज, जैसा कि मैंने आपको शेयर किया है, थ्रॉट में इन्फेक्शन हो सकता है, नोज आईज हेड से रिलेटेड इश्यूज, ब्लॉकेजेस फेस करने पड़ सकते हैं, हेडेक हो सकता है, शोल्डर में पेन्स हो सकती हैं, स्टिफनेस फील हो सकती है। तो ये सब कुछ आपका जो क्लेंजिंग का प्रोसेस चल रहा है थर्ड आई का, वो चल रहा है यहाँ पर, क्योंकि आने वाले टाइम में अब जो है आप हाई लेवल के असेंशन में एंटर करने वाले हैं। एक नया लाइफ साइकिल आपकी लाइफ का यहाँ से शुरू होने वाला है, एक न्यू साइकिल आपकी लाइफ का यहाँ से स्टार्ट होने वाला है इस 11-11 पोर्टल से। तो आप बहुत ही डीपली अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्ट कर पाएंगे, अपनी सोल के साथ कनेक्ट कर पाएंगे, कुछ स्पिरिचुअल गिफ्ट्स आप अपने अनलॉक कर पाएंगे। अगर आपकी स्पिरिचुअली जो कुछ ना कुछ आपके अंदर पावर्स हैं स्पिरिचुअल, उन चीजों को आप अनलॉक कर पाएंगे बहुत अच्छे से आफ्टर दिस थर्ड आई क्लेंजिंग, आपकी थर्ड आई क्लेंजिंग के बाद। और एक चीज यहाँ पर मुझे रिसीव हो रही है कि आपका ध्यान बहुत ही गहरा हो सकता है इस टाइम पीरियड में। आप बहुत ज्यादा ट्रांसेंड स्टेट में रहने वाले हैं, आप फील करेंगे हार्मनी एंड पीस को। और एक गाइडेंस की बात करूं अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को देने की, कोशिश करें गाइस सॉलिट्यूड में रहने की इस टाइम पीरियड में। ज्यादा तो वैसे ही आप फील करेंगे कि आप डिटैचमेंट में जा रहे हैं, 3D वर्ल्ड से थोड़ा कट ऑफ खुद से ही होंगे, क्योंकि यहाँ थर्ड आई एक्टिवेशन होता है ना जब भी, तो आप ऑटोमेटिकली इल्यूजन से डिटैच होने लगते हैं। जो भी आपके आस पास मैनिपुलेशंस है, इल्यूजन है, आप उन चीजों से ऑटोमेटिकली डिटैच होते हैं जब भी आपका थर्ड आई एक्टिवेशन होता है। एंड यहाँ पर जो है थर्ड आई क्लेंजिंग हो रही है, तो ऑटोमेटिकली आप डिटैचमेंट फील करने वाले हैं। हो सकता है अपने डीएम से भी डिटैच हो, या अपनी 3D लाइफ में थोड़ा डिटैचमेंट की एनर्जी को फील करेंगे, बट ये डिटैचमेंट और सॉलिट्यूड आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए इस टाइम पर बहुत ही ज्यादा डीप हीलिंग यूनिवर्स की तरफ से सेंड की जा रही है। जो आपके डीप रूटेड वुंड हैं, आपकी सोल के अंदर जितने भी वुंड्स हैं, बहुत ही रिपीटेड पैटर्न्स हैं, साइकल्स हैं, जो नेगेटिव चीजें आपकी लाइफ में बार बार आपको कई टाइम से परेशान कर रही हैं, जो शायद आप फेस कर रहे हैं कुछ टाइम से कि मैं हील करती हूँ इस इशू को, लेकिन ये ब्लॉकेज तो फिर से बाहर आ जाता है ना। आपको शायद ऐसा लगता था कि मैंने एक ब्लॉकेज को हील कर लिया है, लेकिन अगेन वो चीज फिर से आपकी लाइफ में एंटर कर रही है, वो ब्लॉकेज फिर से आपके सामने आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें आपकी लाइफ से अब परमानेंटली रिलीज होने वाली है, और इसीलिए थर्ड आई पर जो है आपका थोड़ा प्रेशर रहेगा, आपको हैवीनेस फील हो सकती है। हो सकता है कुछ लोगों को आपके फोरहेड पर हीट फील हो, बहुत ज्यादा गर्म लगे, आपको लगे फीवर है, बट आपको फीवर भी नहीं है। हेड स्पेस में हैवीनेस, या आपके फोरहेड एरिया में आपको बहुत ज्यादा हीट फील हो सकती है, उसके लिए आप जो है आपको मैं यही गाइड करूंगी गाइस, मेडिसिंस जो होती हैं एलोपैथिक मेडिसिंस का यूज कम से कम करें। अगर तो आपको कोई हेल्थ इशू है ऑलरेडी, आपको साइनस की प्रॉब्लम है, माइग्रेशन की प्रॉब्लम है, अगर आपकी जो मेडिसिन है चल रही है, तो वो आप रेगुलर ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको पता है कि आप असेंशन के प्रोसेस में हैं और ये चीज़ आपको सडनली आपकी लाइफ में हो रही है,
इस तरह का इशू आपके साथ हेल्थ इशू हो रहा है तो इसके लिए मेडिसिंस का प्रयोग ना करें। आपको मैं यही गाइड करूंगी, नेचुरल तरीके से उसे हील होने दें। ये ब्लॉकेज है, डिवाइन एनर्जी इसे हील कर रही है। अपने आप को अलाउ करें, अपनी बॉडी को अलाउ करें। हेडेक हो रहा है सर में, अगर माथे पर फोरहेड पर आपको हीट फील हो रही है, उसके लिए आप चंदन का यूज कर सकते हैं। चंदन का लेप लगाएं, ठीक है, उसे फोरहेड पर कुछ देर छोड़ दें। रात को लगाकर भी सो सकते हैं, आपको बहुत ही ज्यादा सूदिंग इफेक्ट यहाँ से मिलने वाला है। तो इस तरह के नेचुरल चीजों से अपने आप को हील करने की कोशिश करें, मेडिसिंस का प्रयोग कम करें। तुलसी अदरक वाली चाय लें, क्योंकि थ्रोट का इन्फेक्शन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत से लोगों को हो सकता है, कोल्ड कफ का इशू हो सकता है। तुलसी अदरक की चाय आप ले सकते हैं और मेडिसिंस का प्रयोग बस कम से कम करें, ताकि आप जो है नेचुरल तरीके से हील हों। जो भी ब्लॉकेज हैं ये कफ के थ्रू ये आपकी लाइफ से रिलीज होंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों को अलाउ करें, इस तरह के इश्यूज हो सकता है आने वाले 10 to 15 days में, दिवाली तक मैं कहूँगी, यहाँ पर आपको फेस करने पड़ेंगे। 11/11 का पोर्टल भी हमारा दिवाली से एक दिन पहले ही है, तो यस न्यू मून तक इस तरह की चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। तो ये कोई बहुत बड़ी यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है कि हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, ये आप लोग अगर असेंशन की जर्नी में बहुत अच्छे से अब इन चीज़ों को फेस करना जानते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको बहुत क्रेविंग हो सकती है किसी स्पिरिचुअल प्लेस पर जाने की। आपका बहुत टाइम से मन कर रहा है कि किसी ज्योतिर्लिंग पर जाना है, किसी स्पिरिचुअल कोई देवी का मंदिर है या कोई सिद्ध पीठ है, जहां पर भी आपको अंदर से कॉलिंग हो रही है, इस तरह की चीजें आपके साथ हो सकती है। क्योंकि आपकी सोल है ना जो इस टाइम पर पूरी तरह से डिवाइन के साथ अलाइन होने वाली है। थर्ड आई एक्टिवेशन जब भी होता है, आप डिवाइन के साथ बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड होते हैं। एंड मैं यहाँ पर आपसे शेयर कर रही हूँ, मुझे थर्ड आई पर सेंसेशन स्टार्ट हो गई है। तो मैं यही प्रे करूंगी आप लोग भी अच्छे से कनेक्ट करें डिवाइन के साथ, और ये जो भी एनर्जीज हैं, एंड यहाँ पर 12 नंबर भी मुझे दिखाई दे रहा है, तो ये एक स्पिरिचुअल असेंशन की तरफ आपको लेकर जा रहा है। ये हमारे पोर्टल्स आपको पूरा सपोर्ट करने वाले हैं, एंड सैटर्न जो हमारे डायरेक्ट हो रहे हैं, तो आपके लिए मेजर जस्टिस जिनका आपने बहुत टाइम से इंतजार किया है, वो आपकी लाइफ में अब आपको देखने को मिलेगा। तो अपने आप को प्रिपेयर करें जस्टिस के लिए, और कोशिश करें गाइस सॉलिट्यूड में अपने साथ कनेक्ट करें, डिवाइन के साथ अलाइन रहें। ज़्यादा 3D वर्ड से, अगर आप लोग ऑफिशियल जॉब्स करते हैं, कोई आपका बिजनेस है, तो यहाँ पर तो आपको अपना देना ही होगा, है ना, 100%। लेकिन क्या होता है, कई बार हम 3D वर्ड के साथ रहते हुए भी ना डिटैचमेंट फील करने लगते हैं। ये डिटैचमेंट कैसी होती है कि आप अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करते हैं वहाँ पर। तो इस तरह से आप जो है अपनी एनर्जी सेव कर सकते हैं और अपने आप को जो है असेंशन के इस प्रोसेस में और ज़्यादा आगे लेकर जा सकते हैं। तो जितनी ज़्यादा जितनी मेहनत की है, अब जो है उसको उसका रिजल्ट मिलेगा, न्याय मिलेगा आप लोगों को। तो ब्लेसिंग्स आप लोगों के लिए आ रही हैं। गॉड ब्लेस यू गाइस, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, जय श्री महाकाल।